नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेहरा को बोमामाड़ घटना मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस सूचना देले जाजपुर एसपी पूर्व तीन जन को गिरफ्त कला पुलिस जेल्रु मुकुले नागा साधु वैष्णवपुरी जिला दौराजज कोर्ट मिलला जमीन चौद्वार जेल बाहर पाछोटी ने समर्थक मिछ मामलें गिरफ्त कर पुणि राजधानी में बंद है धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालु प्रवेश उपरे लगिला कटकणा केवल हेब नीतिकांति और पूजार्चना खूब शीघ्र गाइडलाइन जारी कर बीएमसी सटडाउन बेले राज्य में बंद वैक्सीनेशन मे एक युववर्ग को टीका देवा प्रस्तुत ओडिशा सेपटे अधिक संक्रमित राज्य आसुवा यात्रियों पर बढ़ुच्छ टेनसन अरुण को रोषर शिकार हेले सौम्य लक्ष्मी प्रसाद सरपंच विरोध में पड़ा 15 खंड भोट परिप्रसंग उठाई अरुण षड्यंत्र रचि अभियोग सौम्य कहे धमक सह दी प्रलोभन जेल्र अपराध दुनिया को नहीं सरकार बर्षिला बीजेपी गृह विभाग सह जेल डीजी को टार्गेट कले लेखाश्री हाइदर युवती लिंक को नहीं उठाले प्रश्न जवाब रखिला बीजेडी कोरोना काल में परीक्षा सस्पेंस नवीन निवास आगे दशम श्रेणी छात्र छात्री गणशिक्षा मंत्री को भेटी द्वंद्व दूर करने को जनइले गुहारी सेपटे आईसीएसई दशम परीक्षा बातिल 5000 महासंक्रमण राज्य में आज 4761 पॉजिटिव क्वारंटाइन 2785 लोकाल केस 1976 खोर्धार सर्वाधिक 820 आक्रांत पुणि 5 मृत 24 सबु सहरांचल सप्ताहांत सटडाउन एवं आज टीका उत्पादनकारी सहित प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक संध्या 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आलोचना गतकाली ख्यातनामा डाक्टर और फार्मा कंपनी सहित होता मीटिंग आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेहरा को बोमामाड़ घटन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस सर्वेश्वर बेहरा उपरको बोमामाड़ कर मुख्य अभियुक्त को पुलिस ढेंकानाल अंचल गिरफ्त कर सक्षम होती बोमामाड़ घटन व्यवहृत होता कला रंगर पल्सर गाड़ी को जबत कर पुलिस एने सूचना देखते जाजपुर एसपी पूर्व तीन जन को गिरफ्त कर पुलिस मार्च 26 तारीख विलंबित राति में सूचना अधिकार कर्मी गाड़ी उपरको बोमामाड़ होता बोमामाड़ सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहरा आहत होते गुरुतर अवस्था हस्पिटाल भर्ती कर बोमामाड़े सर्वेश्वर गाड़ी क्षतिग्रस्त होता घटनार तदंत कर पुलिस चारिजण को गिरफ्त कर सूचना देस आगक तदंत चालू रही क्या ये धर्मशाला किसी दिन तले गोटे बोमामाड़ केस होता जोटी जन आरटीआई एक्टिविस्ट श्री सर्वेश्वर बेहरा उपरे बोमामाड़ होता पूर्व तीन जन एक्टिविस्ट अरेस्ट होते फॉरवर्ड होते आज जाजपुर पुलिस आउ जने एक्यूज्ड को अरेस्ट करी से होची जे मुख्य अभियुक्त जे कि श्री बौरा उपरे बम्मा रे आक्रमण करला जो क्राइम रे यूज होता गोटे पल्सर गाड़ी आउ अन्य इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स भी सीज ताकु आज लीगल फॉर्मेलिटी सब मेंटेन करके फॉरवर्ड कराऊ फर्दर इन्वेस्टिगेशन चली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट मंगलवार राहुल गांधी ट्वीट करी निजे सूचना देखते संस्पर्शे आसवा समस्त सतर्क रहा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपील करते राहुल कहते कोविड अल्प लक्षण देखा पर कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती जो संस्पर्शे आस सतर्क रहा सहित सुरक्षित रखापी अपील करते सूचनाजोग्य देश में व्यापुवा संक्रमण भितर राहुल गांधी पश्चिमबंगे निजर समस्त निर्वाचन रैली को रद्द करते जेल्रु मुकुले नागा साधु वैष्णवपुरी पुरी जिला दौराजज कोर्ट जमीन मिलवा चौद्वार जेल्रु बाहे बाबा सेपटे बाबा को भेटापी जेल बाहर लगी समर्थकों भिड़ तेज मिछ मामलें बाबा को जेल रखाई अभियोग करते बाबा समर्थक श्रीमंदिर बंद पड़ा रोहिणी कुंडर पटा खोली जलसिंचन कर अभियोग आ मामलें बाबा ना थाना एतला आधार कार्यानुषान दिया जमीन बाबदे 50,000 टंका और जन जमीनदार बदल में मिली जमीन तेज रोहिणी कुंड खोल घटना पुनर्व जेल भितरे बहुत कठिन परिस्थिति बहुत मशा जेल विजु पट्टनायक अमल 1991 मसीह जो जेल होता से जेल वर्तमान बुढ़ा हो गला
जेल भितर विभिन्न अव्यवस्था लाट्रीन बाथरूम अवस्था कटकर कथा न कहले चले कटक नगर धवल टगर बोली शुणी किंतु भक्तभोगी हेली विभूति ए सरकार बहरी गैरुआ वस्त्र ए सरकार बहरी जय श्रीराम कहले भक्त मैंने मेडिकल पगला इंजेक्शन आणिक देवाई चेष्टा कर चौदवार जेल में जबरदस्ती इंजेक्शन दि जाइला जार कथा मुझ पूर्व प्रकट कर सारी मत जो गिरफ करागला से मानसिक रोगी भाव में पूरी मेडिकल रखागला तापर पूरी जेल जितेबाला रखागला से मत मानसिक रोगी कक्ष में रखागला बर्तमान 52 नंबर में मत मानसिक रोगी कक्ष में ओडिशा सरकार निर्देश क्रमे अविनाश बेहरा जी अच्छा कारापाल चौदवार सर्कल जेल रे मत 52 नंबर रूम रखी एक पगल भाव रखी कोविड पाई बढ़ला कटकणा राजधानी रे धार्मिक अनुष्ठान रे श्रद्धालुओं प्रवेश मना संक्रमण बढ़िबा परे भी पीएमसी रो बड़ निष्पत्ति धार्मिक अनुष्ठान रे केवल हेबो नीतिकांति पूजा अर्चना विभिन्न धर्म रो धर्मगुरु कर्मकर्ता सहित वर्चुअल आलोचना पर निष्पत्ति निया जाइछि खूब शीघ्र एने जारी हेबो गाइडलाइन जो पॉजिटिव केसेस कोविड 19 बढ़ी छि ताकु व्यू रे रखी करी एंड जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर थिला ता भीतरे जो अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी को पावर दिया है थिला से हिसाब रे हमें सबू जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अछंती तांकर मैनेजमेंट कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के संगे कथा है छु एंड अमर जेडीसी मानकर लेवल रे छोटिया छोटिया कंसल्टेशन मीटिंग भी कंडक्ट करा है छी एंड देन फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि अमर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रे नाउ ऑनवर्ड्स किछि भी ड्यूटीज मानकर प्रवेश करा जीवो नाही ओनली सबू जगह रे जो नॉर्मल रिचुअल्स अच्छी मंदिर हो चर्च हो कि मस्जिद हो नॉर्मल रिचुअल्स कंडक्ट करा जीवे ड्यूटीज मानकर प्रवेश को हमें बैन करिछु फॉर द टाइम बीइंग और तापर जिते बड़े अमार किछि सिचुएशन रे इम्प्रूवमेंट आसीबो ता पोरे ये विषय रे किछि हमें रिलैक्सेशन होबो कि कोन होबो तापर निष्पत्ति निया जीवो पॉजिटिव को संख्या बढ़िबा पछरे अन्य राज्यरु फेरुथबा यात्री खासकरी छत्तीसगढ़ पई ओडिसा रे बढ़ुचे संक्रमण सतर्क कराइले आईएलएस निर्देशक जय परडा ओडिसा को संक्रमण बढ़ुथबा राज्यरु जेउ लोक आसुचंती सेमानक द्वारा पॉजिटिव को संख्या बढ़ुचे लोके माने अमान्य हेबारु भी संख्या बढ़ुचे तेबे पंजाब महाराष्ट्र रे जेउ म्यूटेशन व्यापुचे ओडिसा रे से म्यूटेशन रो प्रभाव नाही अधिक जेनम सिक्वेन्स परे जो स्ट्रेन द्वारा ओडिशा अधिक प्रभावित होचे ता जणा पड़िबो स्ट्रेन विषय रे अधिक अनुधान करबा जेनम सिक्वेन्स को अधिक रो अधिक करा जाउचे ब्राजिल ओ दक्षिण अफ्रीका रो स्ट्रेन ओडिशा रे ए पर्यंत देखिबा को मिलिनी यूके एवं डबल म्यूटेशन ओडिशा रे मात्र 3-4% जहां एते प्रभाव पकाइबा नाही वर्तमान स्ट्रेन द्वारा लोकंक ठारु अधिक लोकंक व्यापुचि कॉमन फ्लू रहितबारु अधिक लोक संक्रमित होती वर्तमान देश में जो संक्रमण व्यापुचे तीन टी म्यूटेशन कहुच्छे केवल ओडिशा रे नहीं समग्र देश में वर्तमान संख्या बढ़ुची केबे कमिबो ताहा कहिबो नाही युववर्गक टीका देवाई ओडिशा प्रस्तुत 18 वर्षर अधिक वयस्कों टीकाकरण ओडिशा संपूर्ण प्रस्तुत रही 1 मे ओडिशा युववर्गक टीकाकरण कर तेज सहरांचलगुड़िक सप्ताहत सटडाउन समय टीकाकरण बंद रही सूचना देखते परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही भैक्सीनेसन राज्य में अधिक सेसन सैट और टीकाकरण केन्द्र खोल कोइन आप और स्पॉट रजिस्ट्रेशन माध्यम रे पंजीकरण करा जिवो उभय सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल ले पूर्व भले टीकाकरण करा जिवो ओडिशा को आज 1 लाख कोविशील्ड टीका आसुची सीएमसी पक्षर जारी है हेल्पलाइन नंबर कटक रे कोविड स्थिति को नियंत्रण करने और लोकों कोविड संपर्क में सूचना देवाई हेल्पलाइन नंबर जारी कर सीएमसी कोविड नियंत्रण कक्ष नंबर 7077775555 जरूरी सेवाई 1800-345-8289 से लक्षण प्रकाश पाइले भयभीत न ही परीक्षा करवा परामर्श दि जाए कोविड नियम पालन करने अपील कर सीएमसी कमिशनर आमे तीनटा जिनिष मने रखिबा गोटे हेला मास्क पिंधिबा आउ मास्कटा को ठीक भावरे पिंधिबा जे नाक आ मुह दुटा ही ढाकी के आमे रखिबा सेकंड हेला सोशल डिस्टेंसिंग आमे गहली रो जगह रे जीवानी आमे दूरता मेंटेन करिबा सामाजिक दूरता मेंटेन करिबा जेते बेला आमे बाहर भी जाउ छु आमे एंश्योर करिबा जे आमे केबे भी से 6 फुट आउ ताठू कम डिस्टेंस रे आसीबानी त
थर्ड है जे आमर हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन टा आम एवं भी जारी रखा आम जिते भी बाहर जाऊँ आम सैनिटाइज करवा हाथ को इंश्योर करवा आम सदा बेले हैंड वॉश करूँ आम देखु किसी किसी केस रे एमती भी होती है जिते बेले सिम्टम आसुच्छे लोक मैंने डरी जाऊँगी डरबार किसी ना आम पाई सब आम ये सब व्यवस्था अच्छे आपण मैंने नियरेस्ट जो पीएचसी सीएचसी को जातु से टेस्टिंग करातु आमुक जनातु आमर कोविड कंट्रोल रूम रो नंबर अच्छे 7077775555 अणायत कोरोना राज्य में आज 4761 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 2785 लोकाल केस रही 1976 खोर्धार सर्वाधिक 820 संक्रमित चिन्हट होती से सुंदरगढ़ 673 नुआपड़ 534 बलांगीरु 322 पॉजिटिव बाहर झारसुगुड़ 234 बरगड़ 198 संबलपुर 183 कलाहांडी 167 नवरंगपुर 154 जन आक्रांत चिन्हट होती से मयूरभंज जाजपुर 86 बालेश्वर 84 अनुगुल 81 और केन्द्रापड़ 50 पॉजिटिव बाहर 20 दिन में 36448 संक्रमित चिन्हट होने मिसे राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 377464 को वृद्धि पाई से आज राज्य में आउ 5 मुंड नहीं कोरोना नुआपड़े आखि बुझे 3 आक्रांत केन्दुझर और रायगढ़ जिलूार जड़े लेखाएं आक्रांत कोरोन प्राण हर एसत राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1953 पहुंची तेज राज्य में बर्तमान रोड रेड जोन रे 10 जिला थिबा बळे येलो जोन रे 5 जिला रहिछि। अरुण रोषर शिकार हेले सौम्य लक्ष्मी प्रसाद सौम्यरंजन प्रधान नाँ पड़ी 15 खंड भोट अनास्था प्रस्ताव को नहीं आज लक्ष्मी प्रसाद पंचायत परिसर अनास्था बैठक अनुषित होता बहु जिलास्तरीय अधिकारी कड़ा सुरक्षा बल मध्य अनास्था बैठक अनुषित होता अनास्था भोटे पंचायत 15 जन वार्ड सभ्य सौम्यरंजन विरोध में मतदान करते अनेपक्ष राजनैतिक चक्रांत कर मंत्री अरुण साहू वार्ड मेम्बर मानक धमक चमक देवा सहित प्रलोभन देखा अनास्था भोटे हर प्रतिक्रिया रखिंट सरपंच सौम्यरंजन प्रधान सुरतरु गांव को फेरिबा रास्ता रे ट्रेन रे उड़ीगला प्राणवायु पूरी अहमदाबाद ट्रेन रे आज एभली एक घटना घटी मृत व्यक्ति होती गंजाम रंभा थाना खंडदेउली गांव विश्वनाथ जेना गतकाल सुरतरु जन संपर्कों सहित पूरी अहमदाबाद ट्रेन रे फेरुवा बेले रात 11टा समय ट्रेन ही विश्वनाथ मृत्यु होता पर गाड़ी ब्रह्मपुर स्टेशन में पहुंचा पर शव को बाहर करा एने जीआरपी पाखे खबर पहुंचा पर पुलिस तदंत आरंभ कर तेज मृत्युर कारण जमापड़ना ସାଙ୍ଗ ଆଖର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ରାତି 11ଟାରେ 11:30ରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆସିକିରି ତ ଗାଁରୁ ବରହମପୁର ଆସିଛୁ ଆଉ ରାତି 3:30ଟାରେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ହଁ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ 7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲା ଥିଲା ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନଟା 15 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ 15 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦା ଯୋଗୁଁରୁ ଏକା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିରେ ସେ ତାକୁ ଖାଲି ପିସାବ ବାର ବାର ରାତି ଦିନ 12ଟା କୋଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ ତା ଅହମଦାବାଦ ପୁରୀ କିନ୍ନର ତାରା ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦାସ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରି ତାରା ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାରାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା 9 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାରାର ଭଉଣୀ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ତାରାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ପ୍ରତାପକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରତାପର ଘର ଭଦ୍ରକରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କଟକରେ ରହି ଅଟୋ ଚଳାଉଥିଲା ପ୍ରତାପ ନାଁରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସହିତ 6ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ମାଲଗୋଦାମର ସେ ଆସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚଗୁ ଆଲିଆସ୍ ତାରା ସାହୁ ଜଣେ ସେ କିନ୍ନର ଏବଂ ବଙ୍କୁଳି ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରତାପ ଦାସ ସିଏ ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ସିଏ ମାଲଗୋଦାମ କୋଲ୍ଡ ଡିପୋ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ସେଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ 31/3/2021 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବଙ୍କୁଳି ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରତାପ ଦାସ ଚଗୁଆଲିଆସ୍ ତାରା ସାହୁଙ୍କୁ କିରୋସିନ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମର 4 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ହେଲା ଏ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 82 ଡେଟେଡ଼୍ 4/4/21
अंडर सेक्शन 323 294 307 आईपीसी रे गोटे केस रुजु करागला। आज हूँ अशोकाष्टमी प्रभु लिंगराज रुकुणा रथयात्रा चलित वर्ष बिना भक्त गढ़ी रुकुणा रथ केवल नेगेटिव रिपोर्ट बाहर सेवायत रथयात्रा सामिल होती भिड़ को दृष्टि रखी दिन गोटाएर संध्या छटा जाए लिंगराज मंदिर और रथ परिसर में 144 धारा लागू होती सेपरी सुरक्षा दृष्टि 15 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होती। ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि कविता स्वयं। कविता जदि देखिबा गत वर्ष जो परिस्थिति उपजीला चलित वर्ष आशा करा जायतिला कि एथर महाप्रभुंकर ए रुकुणा रथयात्रा सुरखुरी हेबो भक्त श्रद्धालु समस्ते सामिल हेबे किंतु विधिर विधान किछि अलगा चलित वर्ष मध्ये बिना भक्तरे रुकुणा रथयात्रा अनुष्ठित होइछि तो वर्तमान रथ कोठी पहुँचलाणी कौन सब व्यवस्था करा जायछि कारण जो सेवायत नेगेटिव रिपोर्ट रहिछि से माने ही केवल सेटर उपस्थित रहिछन्ते निहाती भाव में जदि कह कि रथ प्रस्तुत पथ प्रस्तुत केवल अपेक्षा रथ गढ़ आउ किसी समय पर रथ गढ़ रुकुणा रथ गढ़ आदि कह कि चलित बर्ष सबुठ भिन्न जदि कह बिना भक्तर ही कर रुकुणा रथजात्रा आ सहित मंदिर परिसर में 144 धारा लागू होता सहित खाली आउ किसी समय अपेक्षा अपेक्षार अंत घटव आ किसी समय पर आ भक्त माने बिना भक्त ही करथर रथजात्रा देखिपे जो माने नेगेटिव रिपोर्ट जो सेवायत मानक रही थी रथ उपरको जापारे और रथ टणारे भाग नहीं पारे ता सहित 15 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होती जदि कह कि आउ किसी समय अपेक्षा पर रथटणा आरंभ हो सहित जहाँ रही पुराण व किंवदंती अनुसार जहाँ तथ्य रही पापनाशन पर्व कहुए जहाँकि चैत्रमास शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि ही पालन कराए सहित पांच दिन लिंगराज मंदिर महाप्रभु विग्रह अवस्थापित हो रथरे रामेश्वर मंदिर व मौसी माँ मंदिर जाती और सही पांच दिन रही पुणी थे आसी था बड़देउल को जदि कह कि बाटर जमीती पूरी रथजात्रा ठार संपूर्ण भिन्न पुराणा रथजात्रा बोली आम कहीपर ता सहित जो कह कि रथ टणा जो रथ टणा जाए से पूरी दक्षिण मोड़ कराए से यही रथजात्र दक्षिण मोड़ कराए ना से कहुए रुकुणा रथ अणनेट बोली आम जमी कही था सहित मौसी माँ मंदिर को जवा समय अधर पणा लगी कराए आ सहित विभिन्न प्रकार एठी हुळहुळी ध्वनिरे प्रकम्पित होइथाय रास्ता किंतु वर्तमान जो कोविड स्थिति को लेकिन जहाँ रही संपूर्ण भिन्न चलित बर्ष कहतु बा पूर्व वर्ष जो भाई कोविड जो भाई भाव में स्थित होती केवल बिना भक्त ही करवायत मानक निवायत मानने जो सेवायत मानकर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आसब से ही रथ टाणी पारे और केवल रही रथ टणार समय रही 3:30 आउ कि समय पर जदि कह आरंभ होपर आम रथ गढ़ी एवं एथर से ध्वनि ना से हूलहुली प्रकम्पित होत किंतु भक्त नहांती बिना भक्त पूजा पाँच आदि कह कि दर्शन मध्य जो मैंने छात उपर रही दर्शन पाई मना कर बर्तमान ये पुलिस कमिशनर डीसीपी रही केमिति सुरखुरी पूजा करा जिबो रथ गड़िबो ताकु नै मध्य से भली मुतयन पुलिस मध्य मुतयन करा जैछि आ ता सहित समस्त जहाँ रही परंपरा विधि विचार जहाँ रही सेथि नै कि हि चालिछि आरंभ होइछि रथ टणा बोली कहि पारिबा जोभली भाव में कोविड समस्त नियम को पालन करती विशेष ध्यान दी बीएमसी पक्षर तेणु जो सेवायत मैंने उपस्थित रही जो मानक नेगेटिव रिपोर्ट आने ही केवल उपस्थित रही तेणु कह एक प्रकार रुकुणा रथ गढ़ुची कारण रथ प्रस्तुत पथ प्रस्तुत बोली जहाँ कह धन्यवाद कविता रही प्रतिनिधि कविता स्वयं।
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଜେଲ୍ର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ହାଇଦରଙ୍କ ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜେଲ୍ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଜେଲ୍ରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗାଯାଉଛି, ଜେଲ୍ରେ ଏସବୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜେଲ୍ରେ ଅପରାଧୀ ରହି ଅପରାଧ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଜୟପୁର ଜେଲ୍ରେ ଅପରାଧୀ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇଦର ଫେରାର ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲା, ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା କେମିତି ଯାଉଥିଲା, ତାର ସୁରକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଖସିବାରେ ସଫଳ କେମିତି ହେଲା, ଏବେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ଯୁବତୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଚାରିପଟେ କୌଣସି ପୋଲିସ ବଳୟ ନଥିଲା, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀମାନେ ଥିଲେ। ପୋଲିସ କଟକର ଅହଲ୍ୟା ଲଜ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା, ତାର ଏକ୍ସଟର୍ସନ ରାକେଟ, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା, ଦାଦା ବଟି, ସୁରକ୍ଷା ବଟି ଏସବୁ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଗାଉଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ୟା ଉପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନିଜ ଦଳରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡକେଇ ଅବାନ୍ତର, ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନାର ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇଦର ବିଷୟରେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଲୋକହସା ହେଉଛନ୍ତି। ନଜର ପକାଇବା ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ, ହାଇଦର ଫେରାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗିରଫ ହେଲା କନଷ୍ଟେବଲ ମୌସିମ ଦୁର୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାଗ ପୋଲିସ ଟୋଟାଲି ଏହି ଘଟଣାର କି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ଅବହେଳା ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେହିଦିନ ରହିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏମ୍ ଡି ମୌସିମ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେହି ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କନଷ୍ଟେବଲ ମୌସିମ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ, ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ଖବର କି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାଗ ପୋଲିସ, ଜଣେ ତ ଏମ୍ ଡି ମୌସିମ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ, କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ, ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏସ୍ପି ମେଡିକାଲରେ ଜଗିଥିଲେ, ଯୋଉ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ର ଯୋଉ 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବା ଯୋଉ କନଷ୍ଟେବଲ ମୌସିମ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସପିରେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କିପରି ଭାବରେ ଫେରାର କରାଯିବ ସେହି ଘଟଣାରେ, ସେହି ଘଟଣା ଆଧାରରେ ହିଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଏସ୍ପି ମେଡିକାଲରୁ ଫେରାର ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ କନଷ୍ଟେବଲ ମୌସିମ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାକୁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ବିଷ ବା ଯୋଉ ନିଶାର ଔଷଧ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ହାଇଦର ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରାର ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ମୌସିମ ଲିଖିତ ଆଧାରରେ ସେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅନେକ ପାର୍ଟି
ବିବାଦ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ସେ ଲଜ୍ର ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଖବରର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ହାଇଦର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଛଅ ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ହାବିଲଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ସବୁ କନଷ୍ଟେବଲ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏହିମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦିନ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା ସେଦିନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ସକାଳେ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଦିନ ବେଳେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ହାବିଲଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା ସେଦିନ ମାତ୍ର ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ସେଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ଯୋଉ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କଥା କେବଳ ଏଇ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରୁଛି କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ନା ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ହାଇଦର କ'ଣ କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନା ହାଇଦରକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ କିଏ ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାପରେ ଏବେ ନଜର ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ରେଖଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ହାଇଦର ଫେରାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି କନଷ୍ଟେବଲ ମୌସୁମୀ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ କି ହାଇଦର କୋଭଳି ଭାବରେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ବା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ରଖିବା ନମସ୍କାର।